3,90,000 रुपए में गाड़ी दे देंगे। यस सर। नो, यस सर जी। अगर मेरी डील में कोई भी फर्क आता है तो गाड़ी और रेट सर आपका होगा, गाड़ी भी आपकी होगी, ये चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। बिल्कुल। तो जैसे सर ये बोलेरो गाड़ी है, ये 17 मॉडल गाड़ी है, ठीक है जी। और ये किलोमीटर इसकी रनिंग 42,000 है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है और फुल इंश्योर्ड गाड़ी है। सर मेरा नाम हरकीरत सिंह गरेवाल है, हमारी जो फर्म का नाम है वो काज नंबर 1 है, लुधियाना में पखोवाल रोड पर स्थित है। सर मेरे पास आज का स्टॉक लगभग 12 से 13 गाड़ियों का है। जो गाड़ी की हमारी जो स्टार्टिंग रेंज है वो 3.5 लाख से, जैसे i10 15 मॉडल गाड़ी है वो 3.5 लाख से स्टार्टिंग गाड़ी हमारे से मिल जाती है, और आज की जो रेंज में गाड़ी है वो 22 लाख तक इस टाइम खड़ी है हमारे पास। सर हमारे पास रीलोन फैसिलिटी भी है, अगर किसी ने गाड़ी अपनी बेचनी है पुरानी सपोज, ठीक है जी, हम वो लेकर उनको नई गाड़ी, सपोज जैसे ये बोलेरो है, कोई दूसरा बंदा अपनी गाड़ी बेचने आया वो गाड़ी ये हमारी ले सकता, हम इस पर भी दोबारा रीफाइनेंस करवा सकते हैं उनको। देखो जैसे सर ये बोलेरो गाड़ी है, ये 17 मॉडल गाड़ी है, ठीक है जी। और ये किलोमीटर इसकी रनिंग 42,000 है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है और फुल इंश्योर्ड गाड़ी है ये, आप देख सकते हैं। सर इसकी डिमांड हमने रखी हुई है 7,25,000 रुपये, और जिस जैसे इसका यस नो प्राइस आज के लिए हम 7 लाख रुपये में ये गाड़ी दे देंगे। पहले नाम पर गाड़ी है, फुल इंश्योर्ड है और रनिंग इसकी 42,000 किलोमीटर है, जो कि कंपनी रिकॉर्ड में, और सारी गाड़ी ओरिजिनल है जैसे आप देख सकते हो। मोहाली का नंबर है जी। जी यस सर। नो कितने में भाई, सब आपने बताया? 7 लाख में सर। 7 लाख जी। 7 लाख में। अगली सर इको स्पोर्ट है, 13 मॉडल। अच्छा जी। ये 13 मॉडल है जी सर, ये भी जैसे फर्स्ट ओनर गाड़ी है सर, और इसकी इंश्योरेंस फिलहाल अभी ख़त्म हुई है पिछले मंथ, और इसकी जो डिमांड रखी हुई है सर वो है 4.5 लाख रुपये। ये 66,000 चली हुई है और नॉन एक्सीडेंट, कोई पीस रीपेंट नहीं है, फ्रंट बम्पर सिर्फ रीपेंट है, बाकी सारी गाड़ी ओरिजिनल है, और अलॉय टायर इसके एक्स्ट्रा लगे हुए हैं 16 इंचीस। जी पहले नाम पर गाड़ी है ये सर, फाइनल प्राइस इसका 4 लाख रुपए है जी। फाइनल प्राइस है जी। जी फिर से ये भी इको स्पोर्ट है सर, ये भी 16 मॉडल है, जो वर्जन उस 13 मॉडल का था इको स्पोर्ट का वही 16 में है, ठीक है जी। ये भी फर्स्ट ओनर है, इंश्योरेंस इसकी ख़त्म है, और ये 66 चली हुई है, और ये गाड़ी सारी जेन्युइन है, इसका बम्पर तक भी ओरिजिनल है, जैसे उसका पेंट है इसका बिल्कुल भी नहीं, कोई पीस पेंट, बम्पर टू बम्पर फुल गारंटी रीपेंट, कोई भी पीस रीपेंट नहीं है इसका, फुल जेन्युइन जैसे कंपनी में से आती है वैसे ही वही पेंट है। इसकी आस्किंग सर 5,25,000 है। यस सर। 4,90,000 में गाड़ी दे देंगे सर ये। ठीक है जी। ये 2016 मॉडल। ये 16 टाइटेनियम सबसे टॉप वाले में, उसके नीचे वाला ये मॉडल है, बेस से ऊपर टॉप से नीचे वाला। ओके। ये वर्ना है सर, 18 मॉडल SX विदाउट सनरूफ वाली, ये सेकंड ओनर गाड़ी है, फुल इंश्योर्ड है, कंपनी रिकॉर्ड 48,000 ड्रिवन है, और सारी ओरिजिनल है। इसकी आस्किंग प्राइस है 9,10,000, फाइनल प्राइस जो इसका है 8,80,000 है। ये चली कितनी है? ये 48 कंपनी रिकॉर्ड के साथ। अच्छा 48 जी। फर्स्ट ओनर? सेकंड ओनर। सेकंड ओनर जी। जी जी। कहां का रजिस्ट्रेशन आ रही है? ये पटियाले का जी, PB11। अच्छा पटियाले का जी। फाइनल यस एंड नो कितना है जी इसका? 880 जी। ठीक है। टॉप मॉडल है? टॉप से एक नीचे वाला, विदाउट सनरूफ वाला। ठीक है जी। ये सर थार है 4x4, ये 15 मॉडल गाड़ी है, ये अमृतसर का नंबर जी, ये 15 मॉडल सेकंड ओनर गाड़ी है, कंपनी ड्रिवन रिकॉर्ड इसका 51,000 है,
और इंश्योरेंस इसकी फ़िलहाल ख़त्म हो गई है, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें काफ़ी कुछ लगी हुई हैं, जैसे आप देख सकते हैं हार्ड टॉप बाद में करवाई हुई है, जो सीट्स हैं वो भी एडजस्टेबल हैं इसकी आगे और पीछे वाली, और ये मोटर वगैरह एक्स्ट्रा लगी होती है जैसे कोई गाड़ी फंस गई उसको निकालने के लिए, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये। अच्छा जी जी जी, ये सर अगर एक्सेसरी अगर यही वाली आप मोटर बाहर लगवाने जाओ तो 35,000 की है ये अकेली मोटर, मोटर ही। अच्छा जी, ये मोटर जी अकेली यही मोटर, ये गाड़ी के साथ में ही सर ये इसका है। इसका आस्किंग प्राइस सर है 6.5 लाख रुपये, येस नो प्राइस सर 6,20 है। ये 52 कंपनी रिकॉर्ड 52,000 किलोमीटर्स सेकेंड ओनर जी जी, ये बाद में डले हैं सर। ये लगभग 70 से 80 हज़ार के कॉस्टिंग, 90,000 के आसपास लगी हुई हैं जी एक्सेसरीज उसके ऊपर जी, जो इसका जो अंदर के सीट्स वगैरह हैं वो कंपनी के अंदर से ही लगी हैं सारी, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी वाली लगी हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं लगी हुई। इसके लास्ट कितनी है जी, लास्ट इसका फाइनल प्राइस सर 6,20,000 है। 6,20,000 जी जी जी, ये 10 मॉडल फॉर्च्यूनर है सर। ठीक है, लोकल नंबर लुधियाना का, लुधियाना का नंबर जी। जैसे देख सकते हो सर इसको 11 साल हो गए गाड़ी को, लेकिन इसका बम्पर से लेकर आप पीछे बम्पर तक गाड़ी ये फुल, मतलब कोई कहीं से भी टचिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं, हर एक चीज़ जेन्युइन है। ये 1.70 ये सेकंड ओनर गाड़ी है जी। अच्छा, सेकंड ओनर गाड़ी है, लुधियाने का नंबर है सर, अंदर से आप देख सकते हो खोल गई है गाड़ी। बिल्कुल सर, कोई पीस रीपेंट भी नहीं है। अच्छा, एक्सीडेंट तो मतलब अगर कोई पीस पेंट होगा तभी हम कह सकते हैं ना कि गाड़ी एक्सीडेंट है या कुछ, कोई चीज़ इसकी चेंज नहीं है, कोई कुछ नहीं है जी, ओरिजिनल है बम्पर टू बम्पर सर। ये सर 1,70,000 चली है जी, नॉर्मल है सर, 1.72 तक तो फॉर्च्यूनर चल जाती है बहुत ईजिली। इसकी सर 9,70,000 रुपये डिमांड है। अच्छा, येस नो प्राइस ये दे देंगे हम, फाइनल प्राइस इसका 9 लाख रुपये में गाड़ी। ठीक है जी, ये मॉडल कौन सा? 2010 4x4 है ये, 4x4 है जी। नेक्स्ट ये सर, ये नोवा क्रिस्टा, ये अमृतसर का नंबर, ये 19 मॉडल है ऑटोमेटिक। अच्छा, ये फुली ऑटोमेटिक है, सेकेंड ओनर है। इसमें बहुत सारे मॉडल आते हैं बट ये जो मॉडल है ये G4 मॉडल है, जिसको हम कह नहीं देते कि कैपिटल सीटों वाली गाड़ी। हाँ जी, हाँ जी। ये वो वाली है, कंफर्टेबल बहुत होती है नॉर्मल वाली से। ठीक है जी। इसके फंक्शन भी बहुत अलग अलग है, इको मोड है इसमें, पावर मोड है। पावर मोड का जैसे हम कह देते हैं कि हम 4x4 गाड़ी है, इसमें पावर मोड अगर आप ऑन कर दो तो चारे चक्के घूमने लग जाते हैं, 4x4 का फंक्शन आ जाता है। अच्छा जी। तो इसमें जी सीट भी दूसरी लगवाई हुई है? हाँ जी, दूसरी लगी हुई है और पूरी अपनी ऑटोमेटिक सीट्स हैं। ओके जी। हाँ जी। ये ऊपर जी कितना पैसा लगा दिया होगा इस पे? इस पर सर लगभग मेरे ख्याल से 80 से 90 हज़ार की एक्सपेंडिचर आया। अच्छा, 80 से 90 हज़ार? 90,000 तक का जी। जी, ये सर गाड़ी चली है 64,000 जी, 64,000 कंपनी रिकॉर्ड चली है। इसकी लेटेस्ट सर्विस आज से 28 दिन पहले हुई है, तब गाड़ी चली थी 62,800 के आसपास। अच्छा, कितनी आस्किंग है? इसकी सर 18 लाख डिमांड है, 17.5 में गाड़ी दे देंगे। 19 मॉडल दिसंबर की है। ठीक है जी। और फुल इंश्योर्ड डेप कैब है, 1 महीने पहले इसकी इंश्योरेंस दोबारा हुई है। फुल ये सर जो ये वाला है इसकी राउंड अबाउट ये पड़ता है 21,90,000 के आसपास, 5-10 ऊपर नीचे हो सकता है जो, लेकिन जो आज है जैसे 2021 है, पिछले महीने टोयोटा वालों ने इस गाड़ी का 50,000 रेट बढ़ा भी दिया है नई वाली में। अच्छा जी। सो जैसे अगर हम 21,75 कहते हैं तो आज की डेट में ये 22-25 की पड़ती है। 22-25 में लास्ट यस एंड नो कितने जी आपको? ये 17.5 की सर, 17.5 फाइनल प्राइस, 17.5 की यस और नो प्राइस है जी। ये 17 मॉडल है जी, 2017 मॉडल, 17 है थोड़ी। डीजल थे? ये डीजल जी। ठीक है जी। फर्स्ट ओनर गाड़ी है जी। ठीक है। बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल है, लुधियाने का नंबर है, लोकल लुधियाना नंबर है जी, फुली इंश्योर्ड है और कंपनी रिकॉर्ड के साथ 51 चली हुई है। 51 चली हुई? हाँ जी, 51,000 सिर्फ। ठीक है जी। फर्स्ट ओनर? पहले नाम पर गाड़ी सर, फर्स्ट ओनर। ठीक है जी। इसकी आस्किंग कितनी है? इसकी सर आस्किंग प्राइस 6,25,000 है। अच्छा जी। 590 में लास्ट गाड़ी, फाइनल प्राइस 590 है सर। 590 ड्रिवन कितनी है? ये 51 कंपनी रिकॉर्ड के साथ जी। ठीक है जी। अब आ गई हुंडई की आई10। ये सर जी, ये 15 मॉडल आई10 है मैग्ना। ठीक है
जैसे इनमें काफ़ी मॉडल आते हैं, स्पोर्ट्स आता है, मैग्ना आता है, आस्था आता है, ये मैग्ना मॉडल है 15। ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 65,000 चली है जी। जी ये बंद हो गई सर गाड़ी अभी फिलहाल। ये सर इसका आस्किंग प्राइस 370 है, 3.5 लाख में फाइनल ये सर नो है। 3.5 लाख में जी, डीजल गाड़ी 15 मॉडल जी। कितना चली है आपने, कितना? ये 65 विद कंपनी रिकॉर्ड, ईच एंड एवरीथिंग जी। ठीक है जी, 65 विद कंपनी कंपनी रिकॉर्ड है जी। नंबर रजिस्ट्रेशन कहाँ की है जी? लोकल लुधियाना का जी। लुधियाना का ये हमारा कार नंबर 1 का लोगो लगा हुआ है, इसलिए वो पीछे है। जी लुधियाना का लोकल नंबर है। नेक्स्ट कौन सी गाड़ी? ये सर i20 डीजल। अच्छा, ये तौर पे ये स्पोर्ट्स मॉडल है। अच्छा, स्पोर्ट्स से इससे ऊपर एक मॉडल आता आस्था, लेकिन ज़्यादातर जो कस्टमर है स्पोर्ट्स ही बिकती है गाड़ी ज़्यादातर मार्केट में। ये 16 मॉडल है, 89,000 चली हुई है और 89,000 चली है सर। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, लोकल लुधियाने का नंबर है, 89,000 चली है। ये भी कंपनी रिकॉर्ड है हमारे पास। जो जी हमारे पास जो भी गाड़ी है सर, कंपनी रिकॉर्ड के एक्सेस कोई नहीं चली हुई, सबका रिकॉर्ड है हर एक गाड़ी का। अच्छा जी, इसकी लास्ट कितनी है जी? सर ये लास्ट 5.5 लाख रुपए में यस और नो है। यस और नो 5.5 लाख जी। इसकी आस्किंग प्राइस 590 है। ठीक है जी। अब आ गई वेन्यू। ये वेन्यू है सर। ठीक है जी। ये 2019 मॉडल है गाड़ी, मैनुअल डीजल मैनुअल। ठीक है जी। और सनरूफ वाला मॉडल है सबसे टॉप। अच्छा, सनरूफ है इसमें जी, सनरूफ वाला मॉडल है। और ये सर किलोमीटर इसके 52,000 चली हुई है कंपनी रिकॉर्ड के साथ। लेटेस्ट सर्विस इसकी हुई है आज से 15 दिन पहले। अच्छा जी, कंपनी में ही हर एक चीज़। अलॉय टायर इसके सर एक्स्ट्रा लगवाए हैं। अच्छा, अलॉयल्स अलग लगे जी, वो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। ये 17 इंची अलॉय टायर हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू। अच्छा जी। और इंश्योरेंस इसकी ख़त्म हो गई है सर। ठीक है। इसकी आस्किंग प्राइस सर 9.5 लाख है। ठीक है। ज़्यादातर सर जैसे 19 मॉडल गाड़ी है मार्केट में, आपको कोई 10 लाख से कम मांगता नहीं इस गाड़ी का। अच्छा जी। लेकिन हमारी आस्किंग प्राइस इसकी 9.5 लाख है। यस सर, नो की? यस नो सर, हम 9 लाख की गाड़ी दे देंगे। 9 लाख पे गाड़ी बिल्कुल सर मिल जाएगी। ठीक है जी। फर्स्ट ओनर? फर्स्ट ओनर गाड़ी है सर, इंश्योरेंस खत्म हो चुकी है। ठीक है। अब आगे स्विफ्ट? ये सर स्विफ्ट है, VDI 2013 मॉडल। ठीक है जी। इसकी सर आस्किंग प्राइस जो है वो है 4.25 लाख रुपये। 4.25 लाख जी सर। ठीक है जी। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, डॉक्टर ड्रिवन, लोकल नंबर है। अच्छा जी। और बिल्कुल सर कंपनी रिकॉर्ड के साथ 80,000 चली हुई है और इंश्योरेंस सर इसकी ख़त्म है। ठीक है। लास्ट इसका कितना है जी? सर 3,90,000 रुपये में गाड़ी दे देंगे। यस सर नो? यस सर नो जी। ठीक है। ड्रिवन कितनी है? 80,000। 80,000 जी। ओके। ये आगे जी? ये सर 18 मॉडल i10 मैग्ना डीजल। ठीक है जी। ये सर बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल है। ठीक है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फुली इंश्योर्ड है। ठीक है। और इसकी सर जो आस्किंग प्राइस है वो है 5.25 लाख रुपये। 5.25 लाख जी। ठीक है। और यस नो कितने? 4,90,000 की गाड़ी दे देंगे सर। कितना चली हुई है भाई साहब? ये चली है सर 48। 48 फर्स्ट ओनर? फर्स्ट ओनर फुल इंश्योर्ड, पैन इंडिया ही होगा सर। पैन इंडिया ऑल ओवर हो सकती है? बिल्कुल सर, उसके चार्जेस ऐसे एक्स्ट्रा। अगर कोई कह देता है कि सर मेरे को गुजरात में गाड़ी चाहिए या कुछ भी है, उनको डिलीवरी वहीं पर उनके घर पर मिल जाएगी। अच्छा, लेकिन जो उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे, डीजल, जितने दिन का सिस्टम होगा वो हम बता देंगे कि पर किलोमीटर के हिसाब से होता है। अच्छा भाई, जैसे होता है कि भाई विश्वास करना आज के टाइम में क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो भी सेकंड हैंड गाड़ियों के मार्केट में। बिल्कुल सर। तो आप कैसे क्रेडिबिलिटी जी बताते हैं? सर हम अपनी तरफ से देखो कस्टमर को यही कहते हैं कि डील करने से पहले बेशक आप अपनी गाड़ी लेकर जाना चाहो हमारे से, आप गाड़ी ले जाओ एज ए टोकन अमाउंट देकर, जैसे 10,000 दे गए। अब मैं आपके साथ अपना एक बंदा भेज दूंगा। आपकी इच्छा है कि अगर आपने अपने पर्सनल मैकेनिक से गाड़ी चेक करवानी है आप वहाँ से करवा सकते हो। कईयों में होता है कि नहीं सर मैंने कंपनी में चेक करवाना, वो आप कंपनी में भी गाड़ी ले जाकर चेक करवा सकते हो। अगर मेरी डील में कोई भी फ़र्क आता है तो गाड़ी और रेट सर आपका होगा, गाड़ी भी आपकी होगी, ये चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ।